काम है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ, इसमें देख सकते हो ये है हमारा एमसील, ये हम लोग इसमें कैमरा भी लगा सकते हैं और ये अपना फ़ोन का है। तो ये हमारा माउंट है, नॉर्मल माउंट जो आता है कैमरे के साथ में। और वेलकम टू एस के ब्लॉग 31। कैसे हो सब? होप करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस आ चुके अपने लोग नई ब्लॉग के साथ। तो मुझे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे इंस्टा पे डीएम करे कि भाई आपका जो हेलमेट है उसके ऊपर एक वीडियो बना लो, कि आप अपना हेलमेट में कैसा कैमरा कैसा आप क्या करते हो इसका हम लोग को वीडियो बना के बताओ। तो आज अपने हेलमेट पे होने वाला है ब्लॉग, बहुत ही खतरनाक मज़ा आने वाला है गाइस। तो बने रहे एंड तक का वीडियो ज़रूर देखना गाइस, लास्ट तक का वीडियो ज़रूर देखना। और जो भी मैं अभी शूट कर रहा हूँ मेरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, और मेरा फ़ोन लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे से शूट कर रहा था। अभी चलते हैं कहीं पे, देखते हैं शांति कहाँ पे, जहाँ शांति होगी वहाँ ब्लॉग हम लोग बना लेंगे। तो अपने को जो अपनी सुनसान वाली जगह चाहिए था मिल चुका है गाइस। यहाँ पे कोई आता नहीं है और हमको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हम लोग का बहुत पुराना अड्डा है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपना वेगा का ऑफ रोडिंग हेलमेट लेके। तो आप लोगों को पता होगा जैसे नॉर्मल हेलमेट है, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत मस्त हेलमेट है। तो बहुत से लोग ने मुझे कमेंट किया था और इंस्टा पे भी पूछा बोला था कि भाई आप लोग आप अपने इसमें हेलमेट में ब्लॉग बनाओ। तो गाइस मैं आपको ये बताता, मेरे इसमें मैंने माउंट लगा के रखा हूँ और इसमें अंदर मतलब दो माउंट है, एक हम लोग कैमरा भी लगा सकते हैं और इसके अंदर फ़ोन भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब चीप रेंज में और बहुत ही अच्छा काम है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ, इसमें देख सकते हो ये है हमारा एमसील, ये हम लोग इसमें कैमरा भी लगा सकते हैं और ये अपना फ़ोन का है। तो ये हमारा माउंट है, नॉर्मल माउंट जो आता है कैमरे के साथ में। और ये हमारा नॉर्मल माउंट है जो कैमरे के साथ आता है, तो उसको हम लोगों ने एकदम हार्ड करके लगा दिया, क्योंकि गाड़ी कभी फास्ट चलती कभी स्लो चलती, गाड़ी का तो भरोसा ही नहीं। तो इसीलिए कहीं अपना कैमरा या मोबाइल जो भी आप लगाओ तो उसमें दिक्कत ना आए, तो इसीलिए मैंने उसको हार्ड कर दिया। और उसके अंदर भी ये जो मेरा माउंट था, ये जो मैंने फ़ोन के लिए लिया था, मेरे गिम्बल के लिए लिया था, बट मैंने कुछ दिन सोचा और कैमरे में इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं आ रही थी, क्योंकि गाइस अभी स्टार्टअप है तो इतना अच्छा कैमरा नहीं परचेस कर सकता हर कोई। तो इसीलिए मैंने मतलब अच्छे से एक सोचा, दिमाग लगाया, पूछा भी दो तीन लोग से तो उन लोगों ने बोले, तो फिर मैंने एक दिमाग लगाया, देख सकते हो आप ये चीज़ कि इसको मैंने एकदम हार्ड किया। ये भी मैंने माउंट लगाया हूँ, एक उसके अंदर आता है कैमरे का माउंट, इसको भी मैंने लगा के एकदम अच्छे से हार्ड किया। हार्ड करने का फिर इसको मैंने लगाया, तो गाइस एकदम एडजस्टेबल और एकदम परफेक्ट एंगल आता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा टेढ़ा थोड़ा नहीं, एकदम मस्त एंगल, मतलब बहुत ही अच्छा एंगल है एकदम कैमरे का। और आपके फ़ोन में अगर वाइड एंगल है तो गाइस कोई बात ही नहीं, आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो और ये देख सकते हो आप, ये मेरा केबल है, जो ये मेरा केबल माइक का केबल है। आप लोगों को पता होगा जो पैडिंग वाला हेलमेट लेता है, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेरा माइक फिट करके रखा हूँ। तो जो मेरी वॉइस आती है ये माइक वाला इंटरनल माइक है, ये कॉलर माइक मैंने लिया था, तो ये मैंने अंदर फिट करके रखा। इसके अंदर दो ग्लासेस आ जाते हैं, मस्त हेलमेट है। मुझे 4000 का पड़ा था और इसमें 50 रुपीज़ की मैंने एमसील लगाई, इतना अच्छा मेरा सेटअप बन गया। मुझे तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे लिए फ़ोन ही बेस्ट है, क्योंकि मुझे जब मैं कभी भी वीडियो अगर गाइस मुझे कोई पूछेगा तो आप मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो मेरे लिए फ़ोन ही बेस्ट है, क्योंकि मैं कभी भी कहीं भी वीडियो बंद करता हूँ, कभी भी चालू करता हूँ, कुछ भी ऐसा रहता है, और वीडियो में मेन चीज़ टाइम लैप्स मिल जाता है मुझे, तो
फ़ोन के अंदर टाइमलेस मिल जाता है, कैमरे के अंदर नहीं मिल पाता क्वालिटी, बट कैमरे की अच्छी होती आपके फ़ोन के ऊपर मैटर करता है क्वालिटी कैसी आनी चाहिए कैसी नहीं। बट मैं अगर मुझे कोई पूछे तो मैं तो फ़ोन का ही बताऊँगा, क्योंकि गाइस इतना अच्छा अभी कंपनी मैंने एक जगह देखा तो उसने लॉन्च किया, यहाँ पे प्लास्टिक लगाया फाइबर, तो गाइस फाइबर का कुछ भरोसा नहीं, टूट जाए उठ जाए। बट मैंने इतना अच्छा सेटअप करके रखा हूँ, तो ये माउंट भी मैंने मेरे दोस्त के तो गाइस इतना अच्छा सेटअप बन चुका है। मैं अभी आपको इसकी क्लिप एक दिखाऊंगा कि मैं जैसा शूट करके मेरे फ़ोन से आपको क्लिप बताऊंगा, तो मैं आपको एक बार फ़ोन भी एडजस्टमेंट करके बता देता हूँ कि फ़ोन कैसा आएगा। एक मिनट देखो, ये हम लोग ने लगा लिया फ़ोन, अपना बटन देख के आप लगाना, फिर इसको हम लोग इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। गाइस देख सकते हो आप, गिरने का भी कुछ भी डर नहीं है, आप चाहे 120, 150 कुछ ने भी गाड़ी चलाओ, आप देख सकते हो गिरने का डर नहीं है। तो गाइस अभी मैं आपको इसकी क्लिप बताता हूँ, तो जब तक वीडियो में बने रहे। तो गाइस मैंने अभी इसमें सेटअप कर लिया है, आपको अभी मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। देख सकते हो ये मेरा माइक का केबल है और ये मेरा फ़ोन, मैंने इसको अच्छे से एकदम एडजस्टमेंट कर लिया हूँ। मैं अभी आपको इसमें शूट करके दिखाता हूँ, एक मिनट मैं वीडियो चालू कर लेता हूँ, ये चालू हो चुका है। तो गाइस मैं अभी आपको इसका शूट करके दिखाता हूँ, कैसा लगता है, इसकी वॉइस भी चेक कराता हूँ। तो ये जो शूट है ये अपने फ़ोन से शूट कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताना कि एंगल परफेक्ट है कि नहीं है। तो गाइस मैंने बहुत से व्लॉगर को देखा हूँ, वो लोग के उसमें ना जो खाली स्पीडोमीटर दिखता है, तो अपने में सामने का जो स्क्रीन है पूरा वो पूरा दिख रहा है, और वो लोग में स्क्रीन नहीं दिखता खाली स्पीडोमीटर दिखता, अपने में पूरा परफेक्ट आ रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि मेरा ये एंगल परफेक्ट है कि नहीं, और आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो यही चीज़ बोल सजेस्ट करूँगा कि आप फ़ोन से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, और इसमें मेरी वॉइस भी इतनी प्यारी आ रही है और व्यू भी एकदम कैप्चर हो पा रहा है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।